आम का रस इस तरह से निकाल लेना है और गरम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल लेना है, दो तीन सूखा मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा पाँचफोरन, बस हल्के आंच में आपको यह बनाना है। इस बाद यह जो आम का रस है इसमें आप डाल देंगे। और आस्ते आस्ते हिलाते रहिए। अब इसमें आप एक चम्मच नमक डाल दें और इसमें मैं गुड़ डाल रहा हूँ, आप चीनी डाल सकते हैं। अब इसे हिलाते रहिए जब तक यह सूख ना जाए। हल्के आंच पर, गैस का हल्के आंच होगा, आप देख सकते हैं हल्के आंच पे है। और इसे बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है ताकि नीचे लग ना जाए। इस तरह से देखिए, इस तरह से गाढ़ा हो गया है। अब इसमें ये मैं कसूंदी लूँगा, थोड़ा सा कसूंदी जो मैंने उठा लिया, और अब इसे हिलाना है, मिक्स करना है अच्छे से। देखिए किस तरह से गाढ़ा हो गया है। ये हमारा आम का चटनी बनके तैयार हो गया है। देखिए एकदम जेली की तरह